शख्स के दिल को छुएगा मैं जानता हूँ, और आमीन भी चाहिए और हाथ उठा के आपकी दाद भी चाहिए। ये देवी है तो वो बस तुझे इंसान बना दे, इंद्रा के लिए दिल से ही है मेरी दुआ, अल्लाह इन्हें साहिब ईमान भाई। मुझे शायर ही रहने दीजिए, मुझे नेता मत बनाइए। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था इमरान भाई कुछ बहुत अनुसार पढ़िएगा, मैंने वादा किया था, शायद मैंने वादा निभा दिया है। मैं पढ़ता हूँ। देवी है तू हो बस तुझे इंसान बना दे, इंदिरा जी ये इलेक्शन ये वोटिंग ये सब तो होता ही रहेगा, हवाएं बता भी रही है रुख क्या है, लेकिन जो दुआ मैंने की है उससे दुनिया भी सुधरेगी और आखिरत भी सुधरेगी, इसलिए मैंने ये दुआ की। मैं फिर से पहुंचता हूँ कि दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे। आप मुकर्रर करते करते यहाँ से वहां तक खिसक गए, फिर से इधर आ जाइए। आप रहते हैं तो बड़ी जिंदगी रहती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, बस मैंने मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी नज्म नहीं कहनी है, सिर्फ यही चार मिसरे मुझे इंदिरा जी पढ़ने हैं। और आप यकीन करो कि आज मैं सिर्फ इसलिए आ गया कि ये जो शख्स बहुत प्यारा सा इंसान अपनी पूरी जिंदगी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, इनका दो बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। पहला तो ये कि ये पहली बार मुझे हल्द्वानी जबरदस्ती पकड़ के लाए थे और आप लोगों से मेरा तारुफ कराया था, और इस शहर के हजारों दोस्त फेसबुक से लेकर के फोन से लेकर के हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। वो किसी भी पार्टी के दायरे में बने हुए लोग नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं जानता हूँ जब इनका हुक्म हुआ तो मुझे लगा कि मुझे सुहेल भाई के लिए आना चाहिए, इंदिरा जी के लिए आना चाहिए। मैं फिर से वो चार मिसरे दुआ के पढ़ देता हूँ कि दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे, देवी है तू वो बस तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे साहिब ईमान बना दे, अल्लाह तुझे साहिब ईमान बना दे। बहुत शुक्रिया। ये तो एक तरह से आज के इस मौके की बात थी। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। पिछले दिनों बहुत सारा मामला हुआ, एक अनशन हुआ फिर दूसरा अनशन हुआ मुंबई में, वो भी फ्लॉप रहा। इंदिरा जी चार मिसरे मैंने पढ़े जिस दिन वो अनशन फ्लॉप हुआ था 27 दिसंबर को, उस दिन मैं मुंबई में था और अन्ना हजारे साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे। मुझे लगा भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, मैं बताता हूँ। मैंने 50,000 की भीड़ में ये चार मिसरे पढ़े और बड़ी दुआएं मिली, और इस पर भी आमीन चाहता हूँ। मेरे अंदर जो ईमान है उसका तकाजा है कि मैं ये चार मिसरे पढ़ूं, मैं उस ईमान की मजबूती के लिए चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अन्ना साहब कहते हैं राहुल जिम्मेदार है, अन्ना साहब कहते हैं सोनिया के घर के बाहर धरना दूंगा तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, सुनेगा। यहाँ भी आए थे शायद और आपने जूते से नवाजा उनकी टीम को, ऐसा मैंने सुना। माशाल्लाह बड़े मुबारकबाद आपको, कुछ तो मिल रहा है कम से कम। के राहुल पे ना कांग्रेस पे इल्जाम से होगा भ्रष्टाचार, राहुल के घर के बाहर धरना,
सोनिया के घर के बाहर धरना, मैं पढ़ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पढ़ू। राहुल पे ना कांग्रेस पे इल्जाम से होगा, क्यों तुझको भरम है के तेरे नाम से होगा, क्यों तुझको भरम है के तेरे नाम से होगा। धरने से ना अनशन से ना कानून से ना। मीडिया के दोस्त ये लाइन मेरी नोट करें, एक बहुत बड़ा सच बोल रहा हूँ और बहुत एक लकीर, पत्थर की लकीर जैसा सच बोल रहा हूँ। क्यों तुझको भरम है के तेरे नाम से होगा, राहुल पे ना कांग्रेस पे इल्जाम से होगा। धरने से ना अनशन से ना कानून से ना, ये भ्रष्टाचार खत्म अब इस्लाम से होगा। करवाया मुझे मेरे दोस्तों से मुलाकात का, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा भी बड़ा मन था, हल्द्वानी तो पता नहीं क्यों मुझे मेरा घर जैसा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका।